सोमवार से वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है और अब वाहन स्वामियों को 1 नवंबर से टैक्स भरना होगा। खनन वाहन स्वामियों ने मांग की थी कि नदियों में खनन में लगे वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाई जाए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास की ओर से परिवहन सचिव को खनन वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर भेजे गए पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ। वाहन स्वामियों का तर्क था कि स्टोन क्रेशर उपखनिज नहीं ले रहे हैं, उनके पास पहले से ही माल मौजूद है, ऐसे में वाहनों को रिलीज कराने पर वाहन स्वामियों पर बेवजह टैक्स पड़ेगा। बीती 17 अक्टूबर को लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के कहने पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि खनन वाहनों की सरेंडर अवधि 2 माह और बढ़ा दी जाए। इसके बाद माना जा रहा था कि वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ा दी जाएगी। करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित कार्यालयों में इसके आदेश नहीं भेजे गए। स्थानीय अधिकारियों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी रही। आखिरकार जब अधिकारियों ने मुख्यालय में पता किया तो पता चला कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वाहनों की सरेंडर अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। अब 1 नवंबर से वाहन रिलीज माने जाएंगे। इस वजह से 1 नवंबर से वाहन स्वामियों को टैक्स देना पड़ रहा है। अगर समय पर टैक्स नहीं दिया गया तो जुर्माना भी लगेगा। हमारे खनन की गाड़ियां जो लगी हुई हैं गौला में, जो हमारे खनन के कारोबार में से जुड़ी गाड़ियां हैं, उनका समय जो है अक्टूबर तक वो गाड़ियां सरेंडर थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस सरेंडर अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी उनके द्वारा कारोबार में मतलब नहीं स्टार्ट किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी द्वारा शासन को उसमें कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कोई हमारे पास रिटर्न आदेश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, हम बात करी जाए GPS को लेके, क्या कार्रवाई की जा रही है? गाड़ियों पे लगाना अनिवार्य है या क्या? उसमें GPS को जो भी हमारे माल वाहन हैं उनको लगाने के लिए 23 सितंबर 2022 में शासन से आदेश हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के माल वाहनों में GPS को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन आज आदेश जारी किया गया है, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, छोटे माल वाहन हैं, तिपहिया माल वाहन है या दोपहिया माल वाहन है, या हमारे जो जिन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, 3000 किलोग्राम तक की जो गाड़ियां होती हैं उनको GPS में लगाने से छूट प्रदान कर दी गई है।